गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका पहल क्लासिक के यूट्यूब चैनल पे। आज थोड़ा लेट हो गया, अपडेट नहीं हो पाया कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। तो बात करते हैं दोस्तों आज की 15 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों कुल 15 क्वेश्चन हैं, तो शुरुआत करते हैं अपन आज के क्वेश्चन से। तो दोस्तों, मुश्किल समय का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो कि एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में कहता है कि सब अच्छा होगा। तो दोस्तों, जब भी मुश्किल समय हो तो अपनी उम्मीदों को मत छोड़िए और आने वाले समय में बिल्कुल सही और सब स्टिक अच्छे से होगा, ठीक है। तो दोस्तों, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो अपलोड होता है कोई भी अपडेट होता है तो उसको आपको हाथों हाथ मिल जाए। साथ ही दोस्तों, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप PDF लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गया है, सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। तो दोस्तों, वो कंपनी कौन सी है, वो है एप्पल। एप्पल एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 में कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में हुई थी। इसके CEO हैं टिम कुक और इसके फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिक, रोनाल्ड वाइने, ये इसके तीन इसके संस्थापक हैं। तो दोस्तों, डिटेल में थोड़ा बता दूं कि हाल ही में एप्पल के शेयर 10% अधिक बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं और साथ ही एप्पल की एक सऊदी अमरीकी कंपनी को पहचान कर सऊदी आराम को पहचान कर दुनिया की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी बन गई है, ठीक है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में किस तिथि को मुस्लिम अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये तिथि है 1 अगस्त, ठीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 तलाक विधेयक को 1 अगस्त 2019 को मंजूरी दी थी और इसी के साथ यह कानून में अमल में आया था। इसी के साथ दोस्तों, पहली वर्षगांठ को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ट्रिपल तलाक को तलाक के विद्वत के रूप में भी जाना जाता है। यह मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत 1937 के अधिनियम द्वारा मुस्लिम पुरुषों को दिया गया एक विशेष प्रावधान था, जिसको अभी हटा दिया और 3 तलाक जिसको कहते थे वो हटा दिया गया, ठीक है। दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में भारत ने किस देश के लोकप्रिय रंगीन टीवी सेटों की आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों, वो है चीन। पिछले वित्तीय वर्ष में $781 मिलियन मूल्य के रंगीन टीवी सेट देश से आयात किए थे, जिनमें अधिकांश क्रमशः $428 मिलियन वियतनाम और $292 मिलियन चीन से आए थे। सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम के बाद वियतनाम और चीन इस व्यापार के प्रमुख रूप से प्रभावित होंगे। जो अपना सीमा विवाद चल रहा है, उस वजह से केंद्र सरकार ने बहुत सी चीज़ों पर मुबैन कर दिया है। जैसे पहले कुछ सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक जैसे बड़ी मीडिया 59 ऐप्स को ब्लॉक किया था, उसके बाद में ये आयात पे भी ब्लॉक कर दिया, तो चाइना के अर्थव्यवस्था पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा इससे। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के से अधिक कारोबार के लिए GST केंद्रीय ई इनवॉइसिस योजना की प्रस्तुति की है? तो दोस्तों, वो है 500 करोड़। राइट आंसर हो जाएगा D। इस योजना के जरिए 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को 1 अक्टूबर से केंद्र सरकार के केंद्रीय पोर्टल से सभी बिल निकाल सकेंगी। इससे इसके लिए कारोबार की सीमा 100 करोड़ रुपए थी, पहले जो थी 100 करोड़ रुपए थी, अब इसकी कर दी है 500 करोड़ रुपए।
हाल ही में किस मंत्रालय ने आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है? तो दोस्तों वो है जनजातीय मामले मंत्रालय। राइट आंसर हो जाएगा बी, जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा 2019-20 के दौरान 5 छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत लगभग 2500 करोड़ रुपए के सीधे 31 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को लगभग 30 लाख छात्रों को डीबीटी के माध्यम से छात्र के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। जनजातीय मामले के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो हैं अर्जुन मुंडा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की, हाल ही में किसके द्वारा इज ऑफ डूइंग बिजनेस द्वारा बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? दोस्तों वो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, प्रेसिडेंट है इसके उदय कोटक, हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली और इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। इस डिजिटल सम्मेलन का जो उद्घाटन किया था वो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की, हाल ही में किस राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता का निधन हो गया? तो दोस्तों वो है अमर सिंह, राइट आंसर ए। इनका सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था, कुछ दिनों पहले उन्हें उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी किया गया था। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो दोस्तों वो है रूस। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक के दौरान जावड़ेकर ने 2019 के शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जैसे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में भारत द्वारा किए गए प्रयासों को प्रकाश डाला गया। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की, आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों वो हैं हमीद बकायको, राइट आंसर हो जाएगा ए। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति अलासेन ओतारो हैं और यहाँ की राजधानी यामोस्क्रो, और यहाँ की करेंसी जो है दोस्तों वो है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रेंच, और यहाँ की पॉपुलेशन देखें तो 2.51 करोड़ वर्ल्ड बैंक 2018 के हिसाब से, और इसकी लैंग्वेज है वो है फ्रेंच। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया? तो दोस्तों वो है ताइवान के, राइट आंसर हो जाएगा सी। इन्होंने 1988 से 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, उनके ताइवान का लोकतंत्र का जनक भी कहा जाता है। ताइवान की कैपिटल है वो है थाईपी, और पॉपुलेशन है 2.38 करोड़ 2018 के अनुसार, और यहाँ की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया? तो दोस्तों वो है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग लेपचा का निधन हो गया, वह थे एक, तो दोस्तों वो थे लोक संगीतकार। इनका जन्म 1928 में पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में हुआ था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी। उन्होंने सिक्किम के विभिन्न हिस्सों की यात्रा भी की है, और भारतीय लोक और परिलोक
लेपचा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्होंने। और 1960 में ऑल इंडिया रेडियो का पर लोक संगीत के कार्यक्रम किए, जिन उन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में उन्हें उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की, छत्तीसगढ़ का वह कौन सा जिला फरवरी जून 2020 में अधिक अवधि के दौरान नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची से सबसे ऊपर रहा? तो दोस्तों वो है बीजापुर, राइट आंसर ए। वही आकांक्षी जिलों की सूची में री भोई मेघालय और बहराइच उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया। जनवरी 2018 में शुरू किए गए आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम का उद्देश्य उन जिलों का विकास किराए पर वापस लाना है जो प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में पीछे रह गए और अल्प विकसित श्रेणी में आ रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की, हाल ही में दिल्ली सरकार ने डीजल पर वेट की दर को 30% से घटाकर कितने फीसदी करने का फैसला लिया है? तो दोस्तों वो है 16.75, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। दोस्तों यह दर पहले 30% थी, 30%, और इससे राजधानी में डीजल की कीमत 8.36 रुपये प्रति लीटर सस्ती हो गई है। इस कटौती के बाद दिल्ली में अब डीजल का दाम 82 रुपये प्रति लीटर से घटकर 73.64 रुपये प्रति लीटर रह गया है। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के, आज के अंतिम क्वेश्चन की, हाल ही में किस भारतीय मूल के राजनेता को सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो दोस्तों वो हैं प्रीतम सिंह, राइट आंसर बी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं ली हसन लोंग, पॉपुलेशन है 56.4 लाख 2018 वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, करेंसी है सिंगापुर डॉलर। प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी ने 10 जुलाई को हुए आम चुनाव में 93 सीटों में से 10 संसदीय सीटें जीती हैं, जिसमें उनकी पार्टी सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी भी रही है। उल्लेखनीय है कि सिंगापुर के इतिहास में अभी तक कभी भी औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता को नामित नहीं किया गया। इस प्रकार प्रीतम सिंह के साथ सिंगापुर की संसदीय प्रणाली के नए अध्यक्ष की शुरुआत भी हुई है, नए अध्याय की शुरुआत हुई है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, मिलते हैं कल एक बार फिर सुबह उसी टाइम सुबह 5 बजे। तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। लिंक आपको पीडीएफ का लिंक है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से और पे टेलीग्राम चैनल से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं कल सुबह। जय हिंद, जय भारत।